अच्छा बच्चे, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आर डिस्कशन रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर बुक, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस बाय गेटमैन। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू डिस्कशन आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ द परपेचुटी एंड द कॉन्सेप्ट नेम इज़ द मिक्स स्ट्रीम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मिक्स स्ट्रीम इन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ योर दिस चैप्टर, but in today's lecture we are going to discuss about the calculation required for the mixed stream. As long as the mixed stream is concerned, the series of payment, but the payments will not be equal. ठीक है, जब हम कहते हैं ना कि series of equal payments, तो वो कौन सा concept है? That is the concept of the annuity. But whenever you will observe कि हमारा जो कौन से mixed stream में values different आएंगी, वो हमारी value. अच्छा बच्चे, we were saying कि मिक्स स्ट्रीम में क्या होता है कि आपने पहली इन्वेस्टमेंट क्या की, ज़ीरो, दूसरी हमने की $100, तीसरी हमने की फॉर एग्जांपल $300, चौथी हमने की $400, पांचवी हमने की $500 और फिर $600। ठीक है, अब ये मिक्स स्ट्रीम की जो एक्टिविटी है, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि हमने हर वैल्यू को फ्यूचर में भी देखना है, हमने हर वैल्यू की प्रेजेंट भी कैलकुलेट करनी है। अगर इसी को फ्यूचर कैलकुलेट करने को कह दिया जाए, इसका मतलब क्या है कि 1, 2, 3, 4 and 5 $100 को इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 8%। हमने इस $100 की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके लिए क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू $100 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 8%। कितने सालों के लिए आपने ये इन्वेस्टमेंट करनी है, 1, 2, 3 and 4 years के लिए। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाएँ फ्यूचर वैल्यू इस 300 की कर लेते हैं, 300 वन प्लस 8%, कितने ईयर्स के लिए किया, 1, 2 and 3 ये 3 years के लिए किया। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ये 400, 1, 2 सिर्फ 2 years के लिए किया, सो 1 plus 8% डेट इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 500 है, 1 plus 8% कितने साल के लिए किया है, 1 साल के लिए किया, और फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल इनटू 500 इनटू 1 plus 8% कितने साल के लिए, लास्ट इन्वेस्टमेंट, ये लास्ट वाली सॉरी 600 है, कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, 0 point in time के लिए, क्योंकि 5वें साल में ही इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो ये 0 आ जाएगी। इसका जवाब 600 आ गया, इसका कोई ना कोई जवाब आएगा, इसका भी कोई ना कोई जवाब आएगा, इसका भी कोई ना कोई जवाब आएगा, इसका कोई ना कोई जवाब आएगा। आपने क्या करना है, आपने तमाम आंसर्स को ऐड अप कर लेना है, तो डेट इज़ बेसिकली द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस इंटायर प्रोजेक्ट। ठीक हो गया, इसी के साथ हम अपना प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि यही सेम एक्टिविटी है और हमें कह दिया गया है कि सर यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिक्स स्ट्रीम। ठीक है, द प्रेजेंट वैल्यू में क्या है कि सेम टाइमलाइन के ऊपर हम दोबारा एक्टिविटी करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 साल की एक्टिविटी है, 0, 1, 2, 3, 4 and 5, और पहली जो पेमेंट है वो फॉर एग्जांपल 4 ईयर की है, दूसरी 800 की है, फिर 500 की लगा लेते हैं, फिर 400 की है, एंड देन वी हैव द 300। हमें क्या कहा गया कि आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप ये देखेंगे 4 ईयर कितने सालों के लिए डिस्काउंट हो रहा है, 1 ईयर के लिए, क्योंकि 1 साल बाद आपको 400 मिलने हैं। आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1 ईयर के लिए डिस्काउंट किया, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो आप ले लेते हैं, लेट्स सपोज आपने 9% ले लिया, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का जो इंटरेस्ट रेट है पूरे प्रोजेक्ट में 9% करने वाले हैं, और यहाँ पे पावर कितनी आ गई, 1 आ गई, क्योंकि 1 साल के लिए डिस्काउंट किया। इसकी वैल्यू आ जाएगी फॉर एग्जांपल 366.97। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करके बता दिया आपको, यहाँ पे आ गया 800 को डिस्काउंट करते हैं, कितने साल के लिए डिस्काउंट करना है, 2 सालों के लिए, तो 800 डिवाइडेड बाई 1 plus 9% रेस टू दी पावर 2, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो कि आपके पास आएगी तकरीबन 673.34। उसके बाद इस 500 को कितने साल के लिए डिस्काउंट करते हैं, 1 year, 2 year and 3 year के लिए डिस्काउंट करना है। यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाय 1 plus 9% रेज टू दी पावर 3, 3 साल के लिए डिस्काउंट करना है, इसकी वैल्यू जो आपके पास आएगी 386.34।
09, ठीक हो गया। इस चौथे साल के ऊपर आ जाते हैं, 400 इज़ बेसिकली द वर्थ यू हैव, वैल्यू यू हैव। अब यहाँ पे पहले साल डिस्काउंट, दूसरे साल डिस्काउंट, तीसरे साल डिस्काउंट और चौथे साल डिस्काउंट, इसे आपने 4 साल के लिए डिस्काउंट करना है। 9% रेज पावर 4, इसका जो आपके पास आंसर आएगा डेट इज़ इक्वल टू 283.37। उसके बाद आपके पास जो ये वाला पाँचवें साल का है, ये 1 ईयर, ये 2 ईयर, ये 3 ईयर, ये 4 ईयर और ये 5 ईयर, तो इसका हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 300 इंटू 1 प्लस आई कितने, 9% की पावर कितनी है, हम यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं 5 ईयर, इसका आपका जो आंसर आएगा वो 194.98 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि हमने पूरे प्रोजेक्ट की वर्थ कैलकुलेट करनी है। सो दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल वर्थ आएगी वो 1904.75 आ रही है, ये इसकी टोटल वर्थ है। अगर कोई कंपनी आपको कहते हैं कि सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर दें, हम आपको पहले पहले साल में 400 देंगे, दूसरे साल में 800 देंगे, तीसरे साल में 500 देंगे, फिर हम आपको चौथे साल में 400 देंगे, इन द फिफ्थ ईयर यू विल रिसीव $300, तो आपको वो प्रोजेक्ट, आप पूछेंगे सर व्हाट इज़ द टोटल वर्थ आई हैव टू पे, वट इज़ द टोटल अमाउंट आई हैव टू पे इन ऑर्डर टू गेट दिस प्रोजेक्ट, और वो आपको कहते हैं सर आपको $1800 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आप उस प्रोजेक्ट को फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, क्योंकि जो प्रोजेक्ट की वर्थ आपने कैलकुलेट की है जो आएगी 1904, जबकि वो प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है 1800 में। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपको पता है कि प्रोजेक्ट 1904 है और आप पूछते हैं कि प्रोजेक्ट कितने में आप हमें देंगे, वो आपसे कहते हैं $2000 का हम आपको ये प्रोजेक्ट दे देंगे, आप उस प्रोजेक्ट को परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकली आपने इसे कैलकुलेट किया, आपको पता चल गया इस प्रोजेक्ट की वर्थ 1904 है, और जबकि वो आपको ये प्रोजेक्ट 2000 में दे रहे हैं, तो महंगा सेल कर रहे हैं, आप उसे परचेज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज़ द बेनिफिट वी विल हैव एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस आप ये देखें कि अगर कोई नॉर्मल बंदा होगा तो इस प्रोजेक्ट को किस तरह कैलकुलेट करेगा। 400 एंड 800 कितना हो गया, 1200 एंड 500, 1700 एंड 400, 2100 एंड 300, 2400, 1200, 2100 एंड 2400, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो टोटल वर्थ आ गई वो 2400 की आ गई। एक जो नॉर्मल बंदा होगा जो फाइनेंस का स्टूडेंट नहीं होगा, वो कहेगा कि इस प्रोजेक्ट जिस पे मुझे 2400 रुपये मिलेंगे, उसी प्रोजेक्ट को कंपनी मुझे 2000 में दे रही है, तो मुझे ये प्रोजेक्ट परचेज़ कर लेना चाहिए। बट एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस यू विल से नो सर, इस प्रोजेक्ट की जो ये 2400 वर्थ नहीं है, इस प्रोजेक्ट की मैथमेटिकल वर्थ इंटरेस्ट रेट को कंसीडर करके और टाइम स्पेन को कंसीडर करके इसकी वर्थ है 1904 की, और यही प्रोजेक्ट हमें 2000 को ऑफर किया जा रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू परचेज दिस प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जाना लास्ट हमारी डिस्कशन होने वाली है कि आप जो आई की बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट की, लास्ट डिस्कशन नहीं, अभी हमारे टॉपिक बहुत सारे पड़े हैं इस चैप्टर में, वो हम सारे करते हैं। हमारी जो डिस्कशन है इंटरेस्ट रेट के ऊपर कि ये जो 9% मैं कह रहा हूँ, 8% मैं कह रहा हूँ, 13% मैं कह रहा हूँ, 14% मैं कह रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो आपके हैं या ये सारे के सारे इंटरेस्ट रेट जो आपके हैं, इन तमाम इंटरेस्ट को हम कहते हैं एनुअल इंटरेस्ट रेट्स। लेकिन एनुअल इंटरेस्ट की जगह वो बंदा आपसे कहता है कि सर मुझे एक साल बाद आप ये जो 9% इंटरेस्ट ना दें, आप मुझे ऐसा करें कि मुझे ना कुछ पीरियड पहले ही इंटरेस्ट दे दें, मतलब सेमी एनुअल दे दें। सेमी एनुअल का मतलब क्या है कि विद इन वन फाइनेंशियल ईयर दे आर विलिंग टू गेट द इंटरेस्ट फ्रॉम यू 2 times, यानी वो 2 मर्त, बस साल में क्या है 6 महीने बाद एंड 6 months, आफ्टर एवरी 6 month आई एम विलिंग टू गेट सर्टेन इंटरेस्ट फ्रॉम यू, आपसे कुछ ना कुछ मैं इंटरेस्ट लेना चाह रहा हूँ। तो आपने साल में कितनी मरतबा इंटरेस्ट देंगे, 2 times, तो आप टोटल उन्हें इंटरेस्ट 18% देंगे, नो, आप उन्हें 9% के ऊपर, अब 2 times अगर आपको पे करना पड़ रहा है तो फर्स्ट टाइम में आप कितना पे करेंगे 4.5, और सेकंड टाइम में आप कितना पे करेंगे 4.5। हाउ यू कैलकुलेटेड 4.5 एंड 4.5, आपने टोटल एनुअल इंटरेस्ट को डिवाइड किया 2 पे, तो आपको पहले मरतबा 4.5 का इंटरेस्ट देना पड़ा, फिर दूसरी मरतबा आपको 4.5 का इंटरेस्ट देना पड़ा,
और नंबर ऑफ ईयर्स पहले हमने कितने कर रहे थे कि एन इज इक्वल टू वन था, पहले पहले हम दो एक मरतबा पे कर रहे थे इंटरेस्ट, अब हम इसे मल्टीप्लाई टू कर देंगे तो ये हमें कितनी मरतबा इंटरेस्ट पे करना पड़ा, दो मरतबा, पहले 6 महीने बाद और दूसरी मरतबा 6 महीने बाद। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को आपने समझना है और आपने अगली सारी एक्टिविटीज़ के अंदर इसी को अडॉप्ट करना है। हमारे पास अब तक की जो डिस्कशन चल रही थी प्रेजेंट वैल्यू की ये चल रही थी, जो कि हमारे पास थी फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस i रेज टू द पावर n, और हमारे पास दूसरी डिस्कशन चल रही थी फ्यूचर वैल्यू डेट इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस i रेज टू द पावर n, यहाँ पे डिवाइड था यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक हो गया, हमारे पास ये एक्टिविटी थी एनुअल बेसिस के ऊपर, एनुअल का मतलब क्या होता है सालाना बेसिस के ऊपर, और ये वाली एक्टिविटी भी सालाना बेसिस के ऊपर थी, एनुअल बेसिस के ऊपर, जिसमें हमारा एन और आई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता था, उसे हम एज अ वन ही कंसीडर या उसे टोटल कंसीडर करते थे। लेकिन अगर हमें यही एक्टिविटी करनी पड़ जाए सेमी एनुअली, इस सूरत हाल में आप ये कहेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस i, अब i कितना मिलना है डिवाइड बाय करके जो हमने ऊपर डिस्कशन किया, तो यहाँ पे क्योंकि सेमी एनुअल है i को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, और n आपको पहले कितना मिल रहा था, एक मिल रहा था, मतलब जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स थे, अब उन्हें हर मरतबा आपको इस 6 महीने बाद एक मिलेगा, 6 महीने बाद दूसरा मिलेगा। ठीक है, तो n इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई टू, तो यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे, फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस i डिवाइडेड बाय 2 एन मल्टीप्लाई टू। ठीक हो गया, अब ये तो हमने किया सेमी एनुअल पे, हो सकता है एक पार्टी आए वो कह रहे नहीं सर हमें साल में 4 मरतबा चाहिए, तो आप इस एक्टिविटी को क्या कर लेंगे क्वार्टरली पे डिवाइड कर देंगे, क्वार्टरली पे कन्वर्ट कर लेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय, क्वार्टर में आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी 4 मरतबा इंटरेस्ट, आप 9 मल्टीप्लाई 4 करके 36 देंगे, नहीं आप उसी इंटरेस्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, तो 1 प्लस i डिवाइडेड बाय 4 एंड n मल्टीप्लाई 4। उसी तरह यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू के अंदर अगर हम आए तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस i डिवाइडेड बाय 4 और n मल्टीप्लाई 4। ठीक हो गया, इसी के साथ अगर आपको वो कह दिया जाए कि सर आप हमें ना मंथली इंटरेस्ट दें, यानी हर महीने हमें कोई ना कोई इंटरेस्ट देना, तो क्या आपको 9 मल्टीप्लाई 12 करके और 108% इंटरेस्ट देंगे? नो, आप उसी इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे मंथली बेसिस पे, यानी जो 9% का इंटरेस्ट जो हमने पहली एग्जांपल लेके चले थे उसको डिवाइड कर देंगे 12 पार्ट्स में, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस i डिवाइडेड बाय 12 और n मल्टीप्लाई 12, और यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस i डिवाइडेड बाय 12 एंड n मल्टीप्लाई 12। ठीक हो गया, अच्छा अब यहाँ पे हमारी डिस्कशन यहाँ पे एनुअल बेसिस और इसके ऊपर बात कंप्लीट होती है, कि जब हम किसी इंटरेस्ट को एनुअल पे कन्वर्ट कर दें, सेमी एनुअल पे कन्वर्ट कर लें, क्वार्टरली पे कन्वर्ट कर लें, मंथली पे कन्वर्ट कर लें, ठीक है, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब आप कहें कि सर एट एवरी नैनो सेकंड हम अपने इंटरेस्ट को कंपाउंड करना चाहते हैं, अब ये होता है एक्सट्रीम केसेस के ऊपर और ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली थ्योरेटिकली इट इज़ पॉसिबल। क्या मतलब क्या है कि सर आप जो ये डिवीजन और ये कंपाउंडिंग की एक्टिविटी है, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग की एक्टिविटी है, ये हर नैनो सेकंड क्या है, द स्मॉलेस्ट पॉइंट इन टाइम, हर नैनो सेकंड में आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, यानी आपको साल में 2 मरतबा नहीं, साल में 4 मरतबा नहीं, साल में 12 मरतबा नहीं, आपको अच्छा ये पर डे के हिसाब से भी हम एक्टिविटी कर सकते हैं, यहाँ पे देखें ना पर डे कैसे करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वलेंट टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस i डिवाइडेड बाय 365 एन मल्टीप्लाई 365, यानी हर दिन आपका इंटरेस्ट बनेगा, और फ्यूचर वैल्यू इज इक्वलेंट टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस i डिवाइडेड बाय 365
मल्टी इंटू एन मल्टीप्लाई 365, ये वाली एक्टिविटी पर डे की है। अब वो कहते हैं नहीं सर, पर डे नहीं, नैनो सेकेंड, यानी दिन के हर हिस्से हर लम्हे के अंदर मुझे इंटरेस्ट चाहिए। अब इस सूरत हाल में आप इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नैनो सेकेंड को मैयर करने का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आता है, ठीक है। नैनो सेकेंड को मैयर करने का कॉन्सेप्ट आपके नैनो सेकेंड में एक्सपोनेंशियल के कंपोनेंट में आता है। और एक्सपोनेंशियल क्या है, ये साइंटिफिक टर्म है जिसकी डिटेल में हम नहीं जाने वाले। एक्सपोनेंशियल इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट इन विच यू आर गोइंग टू मैयर समथिंग ऑन द नैनो सेकेंड बेसिस, यानी स्मॉलेस्ट पॉइंट इन टाइम में भी अगर आप किसी चीज़ को मैयर करना चाह रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला जो डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, जो हमारा वैसे आता है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन क्या थी, इस पूरे पॉइंट इन टाइम पे या इस पूरी एक्टिविटी पे डिपेंड कर रही थी। अब एक्सपोनेंशियल के यानी जो हमारा नैनो सेकंड की कैलकुलेशन है उसमें हमें इस पूरे जगह की जगह, ये जो पूरा फैक्टर आप डिस्कस कर रहे हैं, इसकी जगह हमने एक्सपोनेंशियल पे डिपेंड करना है। और एक्सपोनेंशियल के अंदर भी हमने हमारा जो इंटरेस्ट रेट है आई, और हमारा जो एन है नंबर ऑफ ईयर, उस पर डिपेंड करना है। सो डेट इज़ बेसिकली द कैलकुलेशन और द फॉर्मूला डेट वी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू कंसीडरिंग एवरी नैनो सेकेंड। और अगर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने को कह दिया जाए तो प्रेजेंट वैल्यू यही रहने दें, ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल, आई आपको दिया होगा और एन आपको दिया होगा। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर अगर शिफ्ट का बटन दबाएं और नीचे वाली रो के अंदर, आप डिफरेंट कैलकुलेटर्स में डिफरेंट होता है, तो लास्ट वाली रो के अंदर अगर आप देखें तो आपको ये एक्सपोनेंशियल का साइन बटन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। जिस भी बटन के ऊपर ये साइन आपको इस तरह का साइन बना हुआ है ना एक्सपोनेंशियल का, उसे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। उसकी पावर करने के लिए ब्रैकेट का बटन दबाएं और आई की वैल्यू आपको जितनी भी दी होगी, फॉर एग्जांपल 12% दी है और नंबर ऑफ ईयर आपको 4 ईयर दिए हैं, आप उसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, यू विल गेट द आंसर। उस आंसर को प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द फ्यूचर वैल्यू, या उसी फ्यूचर वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे उसी आंसर को, तो आपके पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नैनो सेकंड कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट है ईएआर का, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न का। रिटर्न मींस फ़ायदा, मुनाफा, द प्रॉफिट दैट यू आर विलिंग टू गेट फ्रॉम अ प्रोजेक्ट। रिटर्न आपका क्या है, वो मुनाफा, वो फ़ायदा, वो प्रॉफिट जो आप किसी भी प्रोजेक्ट से हासिल करना चाहते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक बात जहन में रखनी है आपने कि सर अगर मैं था, मैंने अपना $100 इन्वेस्ट किया था और जिस पार्टी ने मुझे वो $100, मतलब मैंने वो अपना $100 इन्वेस्ट, यहाँ पे मेरी बात दोबारा समझें, आपने अपना $100 इन्वेस्ट किया और एक और पार्टी थी जिस जो बैंक था, आपने उसे बैंक को कहा कि सर मैं आपको $100 देता हूँ, क्या आप मुझे इस पर कोई ना कोई रिटर्न देंगे, कोई ना कोई इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट उन्होंने कहा कि जी सर हम आपको इस पर 10% इंटरेस्ट देंगे। इसका मतलब क्या है, $100 का 10% मुझे मिलेगा, जो कि किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, $10 के आ जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, $100 भी मेरा प्रिंसिपल भी मुझे वापस मिल जाएगा और मेरा $10 भी मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे कितना मिल जाएगा, $110। ये बात हम पहले भी कई मतलब इसी चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। ये जो 10% है ना, ये हमारा रिटर्न है। रिटर्न मींस व्हाट वी हैव अर्नड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। वी डिडंट अर्न $100 एज वी इन्वेस्टेड दैट $100, ये तो हमने इन्वेस्ट किया था, ये तो हमें ये रिटर्न नहीं मिल रहा, ये हमारा प्रिंसिपल वापस आ रहा है हमारे पास, हमें रिटर्न मिल रहा है $10 की फॉर्म में। और रिटर्न किस चीज़ से कैलकुलेट किया है, इस 10% से। तो मैं इसी फॉर्मूले को दोबारा लिखता हूँ कि फ्यूचर में हमें वो जो 110 मिलेगा, डेट इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई आई। आई क्या है, इंटरेस्ट रेट। आई क्या है, हमारा रिटर्न परसेंटेज, कितने परसेंट मिलेगा रिटर्न, जो भी परसेंटेज होगी, यहाँ पे 10% लिया था तो 10% आएगी। एक पार्टी के लिए ये 10% क्या है, रिटर्न है। दिस 10% इज रिटर्न फॉर वन पार्टी, और वो वन पार्टी क्या है, सप्लायर ऑफ मनी।
या इन्वेस्टर ऑफ फंड, सप्लायर ऑफ फंड जो सप्लाई कर रहा है। दूसरी पार्टी क्या है, यूज़र ऑफ फंड, वो कौन है, वो बैंक है। यूज़र ऑफ फंड कौन है, बैंक है। बैंक ये जो आई है ना, इसे रिटर्न नहीं लेता, इस आई को बैंक रिटर्न कंसीडर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हम अगर $100 देंगे, हमें इस 10%, हमें ये 10% इस पार्टी को एडिशनल अमाउंट देनी है, तो एडिशनल अमाउंट आपका रिटर्न नहीं आएगा। ये आई की जो परसेंटेज होगी, ये उनके लिए कॉस्ट बनेगी। और यहाँ पे एक छोटी सी बात इससे हट के बता दूँ कि चैप्टर नंबर 9 इज़ ऑल अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर सिक्योरिटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें $100 जो मिल रहे हैं वो कैपिटल है, और उसके ऊपर जो हम एडिशनल अमाउंट पे कर रहे हैं वो हमारे लिए कॉस्ट आ रही है। एज अ बैंक डेट आई इज़ अ कॉस्ट, एज एन इन्वेस्टर और द सप्लायर ऑफ फंड डेट आई इज़ द रिटर्न। एक पार्टी के लिए वो आई रिटर्न है, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसे उसके ऊपर कुछ ना कुछ एडिशनल अमाउंट चाहिए। दूसरी पार्टी के लिए दैट सेम आई इज़ कंसीडर्ड एज अ कॉस्ट, बिकॉज दैट अमाउंट विल बी गिवन इन रिटर्न टू द सप्लायर, यानी ये उसे वापस कॉस्ट की फॉर्म में वो इंटरेस्ट परसेंटेज देनी पड़ेगी। एक पार्टी उसे रिटर्न कंसीडर कर रही है, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, जो उन पैसों को इस्तेमाल कर रहा है, यानी बैंक इस्तेमाल कर रहा है, वो उस आई को रिटर्न नहीं कहता। वो उसे कहता है ये तो मेरे लिए कॉस्ट पड़ गई, मुझे $100 के ऊपर $10 एडिशनल पे करना पड़ेगा ताकि मैं इस पैसे को इस्तेमाल कर सकूँ। ये कहने का मतलब या ये सारी बात समझाने का कॉन्सेप्ट क्या है, इफ़ेक्टिव एनुअल रिटर्न को डिस्कस करना। इफ़ेक्टिव एनुअल रिटर्न का मतलब क्या है कि आपको असल में एक प्रोजेक्ट पर कितना रिटर्न मिलता है, ठीक है, आपको असल में एक प्रोजेक्ट पे कितना रिटर्न मिलता है। तो मैं कहता हूँ 1+I, मैं कहता हूँ 1+I। 1 क्या है, मेरा प्रिंसिपल, जो कि हम इस फॉर्मूले में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। ये प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+I रेज टू द पावर n, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो हमारा 1+I में ये 1 है, ये इस प्रिंसिपल यानी इस प्रेजेंट वैल्यू को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हमारा 1+I का मतलब है कि प्रेजेंट वैल्यू भी मिलेगा और उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी एड अप होगा। लेकिन इंटरेस्ट एनुअल रिटर्न पे हमारा कॉन्सेप्ट किसके, हमारा ध्यान किस चीज़ के ऊपर है, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आई के ऊपर है कि आई कितना मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा। रेज टू द पावर एन है, वो एन ही रहने देते हैं। अब मैं कहता हूँ नहीं सर, हमने सिर्फ एक साल के लिए एक्टिविटी करनी है। ये एन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई, ये 1, आई के नीचे भी मैं 1 लिख देता हूँ कि ये 1 पे डिवाइड करो, क्योंकि एनुअल बेसिस पे इफ़ेक्टिव एनुअल रिटर्न, एनुअल का मतलब क्या है, ये डिवाइड बाय 2 तब करूँगा जब ये सेमी एनुअल होगा। आई 1 का मतलब क्या है, ये एनुअल बेसिस पे है, एनुअल रिटर्न, इफ़ेक्टिव एनुअल रिटर्न। तो सर अगर 1+I, आई की जगह क्या आया, 1 आ गया, आई आ गया, 1+I इसका आंसर आएगा, नहीं, मुझे तो सिर्फ रिटर्न चाहिए था, आप 1 प्रिंसिपल क्यों ऐड कर रहे हो। 1 प्रिंसिपल क्योंकि फॉर्मूले का पार्ट है, मैं इसे ख़त्म करने के लिए साथ -1 करता हूँ। दोबारा मेरी बात समझें, ये बेसिकली दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट वी हैव एज अ प्रेजेंट वैल्यू। हम क्या कहते हैं कि नहीं सर, ये प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं रहना, हमने सिर्फ इसके अंदर से आई के फैक्टर को डिस्कस करना है, और आई के फैक्टर में एन फ़िलहाल हम ले लेते हैं 1, ताकि आसान हो जाए। तो 1 बन गया, ख़त्म हो गया 1+I। अब 1+I हमारा आंसर आया, तो हमने कहा क्या हमें 1+I चाहिए, नो सर, वी डिड नॉट नीड दैट प्रिंसिपल, हमने तो सिर्फ और सिर्फ आई के फैक्टर को डिस्कस करना है, क्योंकि आई ही इफेक्टिव एनुअल रिटर्न है हमारे लिए। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला बनता है, वो बनता है 1+I डिवाइडेड बाय एम। अब यहाँ पे आसानी के लिए 1 क्या है, वो एम क्या है, 1 है, एक साल की एक्टिविटी है। रेज टू द पावर एम, दोबारा एम कह लें या एन कह लें, ये आपके ऊपर है, बुक के ऊपर है, बुक के अंदर एम यूज़ किया, आप एन यूज़ करना चाहें एन कर लें, एम करना चाहें एम कर लें। -1, यानी जो भी फैक्टर बचेगा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का, उसमें से प्रिंसिपल वापस निकाल दिया जाएगा, तो बाकी फैक्टर किसका रह जाएगा, इंटरेस्ट का रह जाएगा, वो आपका रिटर्न है जो आपने इन्वेस्ट किया है विद इन एन प्रोजेक्ट, विद इन अ प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डिस्कशन है, दैट इज़ बेसिकली एनुअल परसेंटेज रेट, वो हम टॉपिक स्किप कर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर की, एंड यू मे से
सर वो शायद इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट भी हो सकता है एज लॉन्ग एज योर पेपर्स आर कंसर्न. उस प्रोजेक्ट या उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लोन अमोर्टाइजेशन. लोन अमोर्टाइजेशन का टॉपिक हम अपनी इसी का नेक्स्ट पार्ट है उसमें डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये ज़रा लेंथी टॉपिक है और हमारी जो 30 मिनट की रिस्ट्रिक्शन कैमरा दे रहा है वो उसमें पूरा नहीं होगा, ताकि एक पूरा टॉपिक रहे. तो नेक्स्ट क्लिप में और नेक्स्ट पार्ट में हम इसका डिस्कशन इसके ऊपर करते हैं. टिल देन अल्लाह हाफिज़.